नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की शहर नगर पालिका से सपा की निवर्तमान चेयरपर्सन फातिमा जबी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सोमवार को समर्थकों के साथ तहसील सदर में नामांकन दाखिल किया। जी मैडम, नामांकन किया, क्या कहेंगी? बस यही कहूँगी, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो फिर अपने रामपुर के लोगों की खिदमत करूँगी और सच्चाई ईमानदारी से जिस तरह मेरे शोहर ने काम किया, मैंने किया और आगे भी मैं इंशाल्लाह इसी तरह काम करूँगी अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए। लोगों की शिकायतें काम नहीं करते हैं, क्या है भाई? लोगों की नहीं है, अपोजिशन वालों की हैं, और जो लोग हमारे नहीं है वो कभी हमारे हो ही नहीं सकते। हम उनके लिए अपना खून भी दे देंगे तो वो हमारे कभी नहीं होंगे जो हमारे मुखालिफ है। हमारे अपनों से पूछो कि वो हमारे लिए कितनी दुआएं करते हैं, आजम भाई के लिए कितनी दुआएं करते हैं, उस रुख को देखिए आप। अब झूठा प्रोपेगंडा ये तो एक क्रेज़ बन गया है लोगों पे आरोप लगाकर उन्हें बेइज्जत करने का, लेकिन ये भूल गए कि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। वो जिसे चाहता है उसे देता है। किसी के झूठ बहकाने से या किसी पर आरोप लगाने से उसकी इज्जत में कमी नहीं आती। बीजेपी ने मुस्लिम कंडिडेट उतारा है, क्या मैसेज देना चाहिए? बार टिकट हो रहा है और किस तरह से काम करेंगे जनता के बीच जाकर? काम तो मेरे करने का तरीका आप लोगों को पता ही, इंशाल्लाह बहुत मेहनत से किया है और आगे भी करूंगी, और अपने काम के प्रति ईमानदार रही, अल्लाह की मदद हमेशा आएगी। दो दो टिकट मुस्लिमों को, किससे चुनाव मानती है अपना भाई? चुनाव तो जब फील्ड में है तो चुनाव तो जाहिर सी बात है एक ही जीतेगा, चुनाव सबसे ही है। नहीं, 10 करोड़ होते उसमें 2 पर टक्कर रहती, किसे मानती है? कोई नहीं टक्कर, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में।